रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओनर मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी। इन दिनों ट्रेंड में है बॉलीवुड से लेकर टीवी टाउन और हर जगह पर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर पर होने वाली सबसे आलीशान शादी। जी हाँ, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी की हो रही है बात, लेकिन ट्रेंड में आकाश अंबानी की शादी के साथ उनकी हर लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का ट्रेंडिंग बॉलीवुड के इस स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे बात ट्रेंडी लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी खबरों की। ये तो आप जानते ही हैं, आकाश अंबानी के घर पर शादी की जमकर तैयारियां हो रही हैं और दुल्हन की तरह सजा दी गई है मुकेश अंबानी के बंगलो एंटीलिया को। बड़ी ही खूबसूरती के साथ फूलों से और लाइटनिंग से, रंग बिरंगे फूल छड़ियों से, ऐसे आज हम आपको ये भी बताएंगे जिस आकाश अंबानी की शादी रूबी डायमंड के पारिवारिक सदस्य रजल मेहता, रूबी डायमंड के मैनेजर, ओनर और कह लीजिए कि इस कंपनी को लेकर डील करने वाले एक्सपर्ट। वही बात कर रहे हैं हम रजल मेहता की बेटी श्लोका मेहता की, बात कर रहे हैं हम श्लोका मेहता के होने वाले हबी आकाश अंबानी की। दोनों की शादी होगी आलीशान 9 मार्च की तारीख को, ये आप जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है मुकेश अंबानी की तरह ही उनके बेटे आकाश काफी ज्यादा टैलेंटेड है। पेशे की बात करें या फिर उनकी एजुकेशन की, उनकी हाई प्रोफाइल की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हम बात जरूर करेंगे कि आकाश अंबानी काफी ज्यादा बिजनेस के मामले में अपने पिता की तरह ही है। आकाश अंबानी अपने परिवार की कंपनी को काफी बेहतरीन तरीके से संभालते हैं और इसमें उनका योगदान काफी बड़ा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, जानते हैं ट्रेंडिंग बॉलीवुड के स्पेशल एपिसोड में आकाश अंबानी के बारे में, कैसे उन्होंने अपने पिता के घर पर यानी कि अंबानी परिवार में बड़े बेटे की जिम्मेदारी को हमेशा से संभाला है, कंपनी को संभालने से लेकर अपने परिवार को संभाला है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज आकाश अंबानी के बारे में हम जानेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। हम जानेंगे आकाश अंबानी के करियर और एजुकेशन के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि आकाश अंबानी, जो कि साल 1991 में जन्मने वाले एक ऐसे उद्योगपति के बेटे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नंबर वन बिजनेसमैन के बीच अपना नाम हमेशा बरकरार रखा है, तो वही भारत देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर रखा है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के बड़े लाडले बेटे आकाश अंबानी ही हैं, जो कि काफी ज्यादा एजुकेटेड भी है। आपको ये मालूम हो ना हो, लेकिन आकाश अंबानी की एजुकेशन ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई। साल 2014 में उनकी एजुकेशन ब्राउन यूनिवर्सिटी से हुई, तो वहीं धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से ही उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी, जो मुंबई में ही है। बेहद दिलचस्प बात बता दे, जिस आकाश अंबानी की शादी रूबी डायमंड ज्वेलरी, रूबी डायमंड के कारोबारी के घर पर हो रही है। रजल मेहता के दामाद बन रहे हैं आकाश अंबानी, वो खुद भी काफी टैलेंटेड और संस्कारी भी हैं, जिनके बारे में आपको ये मालूम होना हो, लेकिन कई बार उन्होंने इंटरव्यूज और मीडिया के सामने अपनी बातें ऐसे रखी है कि हर किसी के बीच चर्चा हुई। ये आपको मालूम होना हो, लेकिन आकाश अंबानी जब 11 साल के थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था उनकी फैमिली एक बड़े उद्योगपति के फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिता रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को संभालते हैं और ओनर हैं। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बिजनेस और मैनेजमेंट
के कोर्स को लेकर। जब आकाश अंबानी को 11th स्टैंडर्ड में एक ऐसे लिखना था, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उनके परिवार के फैमिली वेल्थ के बारे में। मुकेश और नीता के एल्डेस्ट सन, साल 1991 में 23 अक्टूबर को जन्म लेने वाले आकाश अंबानी हमेशा से ही कम बोलने वाले, लेकिन हाँ संस्कारी बनने वाले, हमेशा से सबसे ज्यादा नामी परिवार का हिस्सा होने को लेकर चर्चाओं में रहे। पहले तो उन्होंने चैंपियन स्कूल से पढ़ाई की, फिर धीरूभाई अंबानी से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी। इसके अलावा आपको ये जानकारी शायद ना हो, लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां से आकाश अंबानी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट। उन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कंप्लीट की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चीफ ऑफ स्ट्रेटजी के तौर पर आकाश अंबानी काम करते हैं। आकाश अंबानी ने काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन खुद में किया, जो काफी बड़ी बात है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। फैट से स्टाउट होना अगर किसी को सीखना है तो आकाश अंबानी से सीखे। इन टाइम्स में आकाश काफी हेल्दी थे, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा फिट हो गए। वर्कआउट के जरिए उन्होंने एज अ फिट पर्सन काम किया। 5 फुट 10 इंच के आकाश अंबानी जब एग्जामिन के दौरान नजर आए तो काफी ज्यादा शानदार लगे। उन्होंने द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स इन इंडिया के तौर पर भी नाम कमा लिया था। आकाश अंबानी अपने पिता मुकेश अंबानी के दिल के बेहद करीब है। तो वही ट्वीन सिस्टर में आकाश अंबानी की बहन ईशा अंबानी के बारे में आप जानते होंगे, जिनकी शादी लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में पिरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बड़े बेटे, घर के बड़े बेटे आनंद पिरामल के साथ हुई। तो वहीं आकाश अंबानी के छोटे भाई आनंद अंबानी भी है। साल 2018 में आकाश और श्लोका की एंगेजमेंट बैच रही, जहां तमाम बॉलीवुड सितारों ने एंट्री की। तो वहीं इंडिया के सबसे रिचेस्ट डायनामेंटरी रिजल मेहता की बेटी श्लोका मेहता आकाश की ऑलरेडी फ्रेंड, दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। तो वहीं आकाश अंबानी जब इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल कर यूनाइटेड स्टेट से वापस देश लौटे तो उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और उनके काम को काफी पसंद भी किया गया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जस्ट 4 दिन बाद आकाश अंबानी ने पिता के साथ रिलायंस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। 60 लोगों के बीच एक टीम बनाने वाले आकाश अंबानी ने जियो को जन्म दिया। आकाश अंबानी के टैलेंट को हमेशा सराहा गया। वहीं आपको बता दें, ईशा अंबानी जो आकाश की बहन है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की को डायरेक्टर है, जो जियो और रिलायंस के रिटेल की डायरेक्टर बनी। उन्होंने काफी नाम कमाया और तो और मुंबई इंडियंस के को ऑनर भी है आकाश अंबानी। आपको शायद ही मालूम, आपको शायद ही ये बात मालूम हो, लेकिन इंग्लिश अर्जिनल फुटबॉल क्लब में साल 2005 से ही वो फैन के तौर पर जुड़े। जी हाँ, काफी ज्यादा बड़े फैन हैं आकाश अंबानी इस फुटबॉल क्लब के। इसके अलावा आपको ये बात शायद ही मालूम हो, लेकिन आकाश अंबानी अपने पिता के सबसे बड़ी उद्योग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई इवेंट और फंक्शंस को होस्ट भी करते नजर आए हैं। एक बार अपनी बहन के साथ भी उन्होंने से होस्ट किया था, जो कि स्पोर्ट्स सोवेनियर्स कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक अर्जिनल जर्सी और सुनील गावस्कर के बैट को उन्होंने कलेक्ट किया, जब साल 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, तो उसमें सुनील गावस्कर ने जो बैट इस्तेमाल किया था, उसे आकाश अंबानी ने ही कलेक्ट किया।
तो देखा आपने, जाना आपने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के बारे में। वो आकाश अंबानी जो जल्द श्लोका मेहता के हस्बैंड के रूप में जाने जाएंगे। अब तक अंबानी परिवार के बड़े बेटे के रूप में आकाश अंबानी की पहचान थी। अब तक उन्होंने बिजनेसमैन के बेटे के रूप में अपनी पहचान बना रखी थी, तो वहीं घर के संस्कारी बेटे के तौर पर भी आकाश खूब तारीफें बटोरा करते थे। लेकिन इसके अलावा अब उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि ना सिर्फ परिवार बल्कि अपने घर पर अपनी वाइफ की जिम्मेदारी भी उठाएंगे आकाश अंबानी। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बचपन की दोस्त रही हैं श्लोका और उनका साथ हमेशा से दिया है। दोनों के बीच दोस्ती है जो मोहब्बत और फिर जाकर शादी में तब्दील हो रही है। ऐसे में साथ ये उनका जो पूरी जिंदगी के लिए मिल रहा है, ये बेहद खूबसूरत होगा सफर, ये कहना खुद नीता अंबानी का भी है। लेकिन आकाश अंबानी कैसे अपनी जिम्मेदारी को आगे भी बढ़ाएंगे, ये सब देखना होगा। तो फिलहाल वक्त हो चला है इस शो का यहीं एंड करने का। उम्मीद है हमें आपको हमारा ये शो ट्रेंडिंग बॉलीवुड जरूर पसंद आया होगा। तो दीजिए अब इजाजत, लौटेंगे जल्द से जल्द ट्रेंडिंग बॉलीवुड के अगले एपिसोड को लेकर। इसी तरह से ट्रेंड में रहने वाली बॉलीवुड से लेकर बड़े सितारों की जिंदगी को लेकर कुछ खास खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। लेकिन बॉलीवुड की हर खबर के साथ बने रहने के लिए और बिना एक अपडेट मिस किए बिना रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।